बता दें कि यशोदा के बाद एक बार फिर समांथा रूथ प्रभु स्क्रीन पर अपने नए अवतार के साथ फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं वे पिछले काफी समय से अपने आने वाली फिल्म शकुंतलम को लेकर काफी चर्चाओं में है और कुछ दिन पहले ही उनकी माइथोलॉजिकल फिल्म शकुंतलम की नई रिलीज डेट भी सामने आई थी, जिसके बाद उनकी मोस्ट अपडेटेड फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। साथ ही समांथा रूथ प्रभु की इस फिल्म को मेकर्स ने हिंदी में भी रिलीज करने का फैसला किया है और हाल ही में हिंदी में रिलीज हुए इस छोटे से ट्रेलर ने फैंस और दर्शकों की उत्सुकता को दुगना कर दिया है। बता दें कि फिल्म का 2 मिनट 52 सेकंड का ये हिंदी ट्रेलर बेहद ही शानदार है, जहां इस ट्रेलर की शुरुआत नन्ही शकुंतला के जन्म के साथ होता है, जिन्हें पैदा होते ही उनके माता पिता त्याग देते हैं। उनका जन्म ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका के प्रेम संयोग से होता है। शकुंतला को अनाथ पाकर ऋषि कन्नव उनका पालन पोषण करते हैं और फिर एक दिन राजा दुष्यंत अपने साथियों से बिछड़कर शकुंतला से जंगल में टकरा जाते हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसके बाद दोनों वन में ही गंधर्व विवाह कर लेते हैं और फिर दोनों का प्रेम आगे बढ़ता है और राजा दुष्यंत शकुंतला को ये वचन देते हैं कि वह जरूर वापस आएंगे। इस ट्रेलर में भी भली भांति ये दिखाया गया है कि जिस घटना से उनकी माँ गुजरी थी उसी तरह की घटना से शकुंतला को भी गुजरना पड़ता है। बता दें कि कालिदास के नाट्य रूपांतरण पर बनी फिल्म शकुंतलम में शकुंतला को मिलने वाले श्राप और प्रेम में मिले छल और उनके जीवन की पीड़ा बड़े ही बेहतर तरीके से दिखाया गया है, जिसमें समांथा के ऑपोजिट इस फिल्म में देव मोहन मुख्य भूमिका में है। साथ ही ट्रेलर में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की 6 साल की लाडली बेटी आरा की भी झलक दिखाई गई है। वहीं शकुंतलम के रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म पहले नवंबर 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म के VFX और हिंदी रिलीज के चलते मूवी की रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया और अब समांथा की ये फिल्म 17 फरवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। साथ ही इस फिल्म को तमिल और तेलुगु के अलावा हिंदी में भी इसी दिन रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म का निर्देशन गुणशेखर ने किया है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।